वसीम रिजवी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है नागरिकता संशोधन बिल को लेकर। यह चिट्ठी लिखी गई वसीम रिजवी की तरफ से। तो रिजवी ने शिया को मुस्लिम समाज का कमजोर वर्ग बताया। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वसीम रिजवी और उन्होंने बिल में शियाओं को शामिल किया जाए। तो ये वसीम रिजवी का कहना, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वसीम रिजवी और प्रेम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने ये मांग की है कि इस नागरिकता संशोधन बिल में शिया वक्फ जो मुस्लिम है उनको जगह दी जाए। तो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर वसीम रिजवी ने चिट्ठी लिखकर बिल में शियाओं को शामिल करने की मांग की है। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वसीम रिजवी। भारत सरकार द्वारा जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया है वह हिंदुस्तानी इंसानियत का उदाहरण है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड चाहता है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसियों का उत्पीड़न जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में किया जा रहा है, उसी तरह शिया समाज का भी उत्पीड़न इन मुल्कों में हो रहा है। बल्कि शिया समाज का उत्पीड़न तो पूरी दुनिया में सुन्नी कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा किया जा रहा है। सीरिया, सऊदी अरब, कीनिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे अनेक मुल्क हैं जहां शियों के साथ में सुन्नी बहुसंख्यक मुसलमान हैवानियत जैसा बर्ताव कर रहे हैं और शिया होने के कारण उनकी हत्याएं कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद से उनके साथी खलीफाओं के मानने वाले सुन्नी, जिनकी संख्या पूरी दुनिया में शिया समाज के मुकाबले 85% है, शियों द्वारा इस्लाम के विवादित खलीफाओं को न मानने के कारण और प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार के सदस्यों को मानने के कारण 1400 सालों से जुल्म और जाति का शिकार होना पड़ रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल में शियों को भी सम्मिलित किया जाए।